हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रेक कैलिपर का सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट सर्विसिंग। तो सबसे पहले ये दो बोल्ट रिमूव करके आपको इस कैलिपर को बाहर निकाल देना है। मैंने इसका ब्रेक पैड भी निकाल दिया है मैंने, आप लास्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं कैसे निकालते हैं आप। और एक काम और आपको करना होगा, इसे आप ओपन कर लीजिए ताकि थोड़ा सा फ्री हो जाइए। आपको सर्विसिंग करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, मूवमेंट इसका बढ़ जाता है। तो आप इसे ओपन कर लीजिए और ये जो पाइप है आपका, पाइप रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर उसमें ब्लीडिंग करना पड़ेगा, एयर आ जाएगा तो एक और टेंशन बढ़ जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग इसका सर्विसिंग कर लेंगे। और मेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसका मूव नहीं कर पा रहा है, ये प्लेट। तो इसी का सर्विसिंग हम लोग करेंगे और कम्प्लीटली क्लीन करेंगे इसे, और पिस्टन को देखेंगे कहीं लीकेज तो नहीं है कुछ भी, इस तरह पूरा कम्प्लीट इसका करते हैं हम लोग। तो आइए, तो सबसे पहले एक स्प्रिंग प्लेट होता है यहाँ पे, वो हम लोग रिमूव कर लेंगे। सेफली से रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसे हमें रिमूव करना है। तो ये पूरा जाम हो गया है तो हमें इसे निकालना है। इसका एक्चुअली ग्रीस होता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है, जैसे आप देखेंगे इसमें ग्रीस पूरा ड्राई हो गया इसका, और इसलिए सीज कर जाता है चलते चलते हीटिंग होते होते ये। तो इसका हम लोग ग्रीसिंग करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, क्लीन करेंगे पहले। और ये जो बूट है दो, आप रिमूव कर लीजिए दोनों बूट को। यहाँ पे एक रहता है और एक यहाँ पे रहता है, अगर कट गया तो नया लगाना पड़ेगा। और इसको आप यहाँ से पुल कर सकते हैं। देखिए ये आ गया बाहर, ये भी बूट। तो पहले से क्लीन कर ले हम लोग, जितना भी ओल्ड ग्रीस है सब कुछ इसे क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसके पिस्टन को हम लोग क्लीन करेंगे। पिस्टन को क्लीन करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई लीकेज है कि नहीं, आप क्या कीजिए, अपने ब्रेक लीवर को थोड़ा प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ब्रेक लीवर को प्रेस कीजिएगा ये पिस्टन बाहर आने लगेगा। देखिए देखिए ये वाला बाहर आ गया, अगर इसे आप होल्ड करेंगे तो ये वाला बाहर आएगा, और अगर इससे आप प्रेस कीजिएगा तो अल्टरनेट करके, जैसे कि इसको अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको आप होल्ड कर लीजिए किसी चीज़ से, तो ये देखिए ये वहाँ पे स्टक हो जाएगा और दूसरा बाहर आने लगेगा। देखिए, और इसे पूरा नहीं निकालना है, बस इतना कि हम इसे क्लीन कर सकें। देखिए मैंने इतना निकाल लिया है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हल्का सा स्प्रे करके जो डस्ट है ये सब क्लीन कर लेंगे। और हमने देख लिया कि कोई लीकेज नहीं है इसमें, और इसे सिंपली आप वाइप कर दीजिए पिस्टन को इस तरह से। ये आपका क्लीन हो जाएगा। और फिर इसको अंदर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये क्लीन हो गया, अब इसे अंदर कैसे करना है तो इस तरह से आप प्रेस कीजिए इसको, तो ये स्लोली स्लोली अंदर चला जाता है। किसी भी चीज़ से प्रेस कीजिए, प्लास्टिक की या ऐसे कुछ भी, ताकि इसका पिस्टन डैमेज नहीं हो। तो जैसे ही आप इसको प्रेस कीजिएगा ये पीछे चल जाएगा धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे अंदर जाएगा, ये थोड़ा सा गया। इसके बाद इसे ये वापस मास्टर सिलेंडर में चला जाता है आपका फ्लूइड, यहां से डिस्प्लेस होके।
बहुत स्लोली स्लोली जाएगा। अब देखिए जा रहा है, यहाँ तक चला गया ये। सेम इसी तरह इसको, तो इस तरह से दोनों पिस्टन अंदर आ गया। थोड़ा सा और इसे अंदर करना है, वो बाद में हम लोग करेंगे। और सपोज़ कभी अगर अंदर नहीं जा पा रहा है तो स्ट्रक हो जाता है, तो आप एक पिस्टन को होल्ड करके इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा और फिर से प्रेस कीजिएगा, तो वो अंदर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इस तरह का एक किट आता है हर एक मोटरसाइकिल के लिए। एक्चुअली अभी मेरे पास हंग का नहीं है, ये पल्सर का है। और इस किट में आपकी ज़रूरत का सब कुछ रहेगा, जैसे कि आपका बूट रहेगा इसमें, ये, इसके बाद ये कैप, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद दूसरा बूट और ये रिंग्स। हल्का सा ग्रीस लगा के इसे फोल्ड करके आप लगा सकते हैं, इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। आ गया इधर, उसके बाद दूसरा बूट यहाँ पे इसे फिट कर देना है, ये भी लग गया। उसके बाद जो ग्रीस इसमें रहता है ये हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। और बीच बीच में इस तरह का अगर आप मेंटेनेंस करते रहेंगे ब्रेक कैलिपर का, तो ये कभी खराब होता नहीं है, लॉन्ग लाइफ होता है इसका। और ये जो ब्रैकेट होता है इसमें जो दो पिन्स होते हैं, तो अगर ये घिस जाता है ये, तो ये भी अलग से मिलता है, ये रिमूवेबल है। यहाँ पे एक नट से और यहाँ पे सरक्लिप से एडेड रहता है ये, तो निकल जाता है। बट इस केस में ये एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस ब्रैकेट को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ब्रैकेट पहले फ्रीली मूव नहीं कर रहा था, बट अब मूव करेगा ये फ्रीली, क्योंकि हमने इस पे जो ड्राई ग्रीस था उसे रिमूव करके नया ग्रीस डाल दिया है। देखिए ये हो गया, अब देखिए डिफरेंस, पहले ये मूव नहीं होता था, अब देखिए कितना अच्छा ये ग्लाइड कर रहा है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, पहले पूरा जाम हो गया था, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे ब्रेक कैलिपर का हम लोग सर्विसिंग करते हैं, बेसिक सर्विसिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज इसका पिस्टन निकालना हो और अंदर क्लीन करना हो, बहुत मतलब जाम हो गया है पिस्टन, उसके रिंग्स चेंज करना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे कैसे करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपके फ्रेंड जो कि इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।